शांत के सीए संदीप श्रीधर से 10 घंटे पूछताछ हुई है और जहां पर ये पूछताछ चल रही है वहीं पर हमारे सहयोगी मुस्तफा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुस्तफा, ये वही सीए संदीप श्रीधर हैं जिनसे डीआरडीओ में पूछताछ हो रही है और जिनके बारे में जानकारी दी गई थी कि ये रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपॉइंट किए गए थे। क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही होगी? 10 घंटे पूछताछ का क्या मतलब निकाले? जी बिल्कुल अंजना, मुद्दा जो है वो फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन का है। इसको एक डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर है, इस दरवाजे के पीछे सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े अब कई जो रहस्य हैं वो कह दे। संदीप श्रीधर की अगर हम बात करें तो वो अकाउंटेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो इल्जाम लगाया गया है 15 करोड़ रुपए का, वो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन सुशांत के अकाउंट में नहीं देखा गया था। अब सवाल ये है, मुंबई पुलिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, तीनों एजेंसियां फाइनेंशियल एंगल ढूंढ चुकी हैं। क्या उन्होंने अभी तक ठोस तौर पर यह आकर कहा है कि 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सुशांत के अकाउंट से देखा गया था और वो किसी न किसी तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन है? ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि जो पहला आरोप सुशांत के परिवार का रिया चक्रवर्ती के ऊपर है वो पैसों के लेन देन को लेकर है। अंजना, बिल्कुल, और पैसों के लेन देन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वहां पर अगर कोई क्लू बड़ा मिलता है तो वहां से पूरा मामला एकदम पलट जाएगा क्योंकि एक इंसेंटिव से लेकर तमाम चीजें मुस्तफा मिलेंगी। जल्दी से एक रिस्पॉन्स। जी बिल्कुल, यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत अहम हिस्सा है इस पूरे केस का। फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन ही वो एक एलिगेशन है जो इस पूरे केस में ठोस है क्योंकि एक्सपर्ट बता चुके हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज प्रूफ करना, उसमें किसी को अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन, ये एक तरह से बहुत की एरिया है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का। अंजना,